तो हमने उसके लिए 2,70,00,000 बोला था, बट अभी वो कितना बोल रहा है? 3 crore. ये देख बाबा, ये देख बाबा, ये अपने को देके जाता चीरा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नसीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 2 दिन काफी ज्यादा सोया हूँ मैं, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। मेरे ख्याल से कल रात को लगभग 3-4 बजे मैं सोने के लिए गया था और दोपहर के 3-4 बजे उठा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:15, अभी खाना खाने के लिए जाना है। ये मैंने आपको बताया था कल हमने मंगाया था, तो एसेंशियल ऑयल हमने इसका नहीं मंगाया था, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो एसेंशियल ऑयल में हम इतर भी डाल सकते हैं, तो ट्राई करते इतर डाल के इसको, घर में खुशबू आएगी। मैं जैसे बता, घर में पॉजिटिविटी चाहिए। इसके साथ ये मिला था, ये डालेंगे इसमें पानी। ये इधर हम लेके आए थे अबू धाबी से या कतर से, कहीं से तो ये लेके आए थे, ये मिडिल ईस्ट कंट्री से आया हुआ इधर है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। लेट्स डू दिस। क्या पता सही कर रहे कि नहीं कर रहे। ये किस लाइन में आ गया भाई? तो ये अपन अच्छी लाइन में आ गए, चालू कैसे होता है ये? फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने लग गए वहाँ से। बैठे लाइट भी चलता है इसमें, लाइट भी चलता है। हाँ दिख, धुआं है, दिख रहे? वाह, ये तो कमाल की चीज़ है, बंद नहीं होता लाइट, अलग अलग तरह की लाइट जली। क्या फ्रेश खुशबू है यार इसकी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे इतर थे, अब सब यूज होंगे। सालों से इसी पड़े थे। हम तो भर भर के लेके आए थे, वो यूज ही नहीं हो रहे थे। इसका नाम मियाल, अब सब यूज हो जाएंगे। बढ़िया, देखते कैसा काम करता है ये। बट इसको लगा के नहीं जाते हैं, है ना, इसको बंद करके जाते हैं, फिर जब आएंगे तब अपनी नजरों के सामने रखेंगे। क्या पता हम चालू करके गए और ये ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया, चीजें खराब कर दी, तो उसका रिस्क नहीं लेंगे। अंग लगा दे, मिस्ट है ये, धुआं नहीं है। खाना खा के आते पहले। यस मेरी जान, बस आराम कर, तू भी आराम कर, तेरे को भी रेस्ट चाहिए। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls. तो देखा आपने, हमने अपने घर में एक छोटा सा एड ऑन किया है। तो इससे पहले जो लाइफ थी, मैं यू कहूंगा कि एकदम बॉयज वाली लाइफ थी, मतलब कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ना ये कुछ सालों में मैंने ना लाइफ को बहुत इंजॉय किया है। मैंने मतलब बहुत मजे किए, पार्टी हो, यू नो, आराम करना हो, लेजीनेस हो, या जो भी हो, मतलब मैंने बहुत लाइफ से मजे किए, तो रिग्रेट नहीं है। क्योंकि लाइफ में अगर मैंने ये सब नहीं किया होता ना, तो ऐसा होता था कि अरे सिर्फ काम ही काम किया है, लाइफ को इंजॉय नहीं किया। लाइफ को बहुत एंजॉय किया, और लाइफ को एंजॉय करते करते जो मुकाम, जो पैसे मैंने कमाए हैं, उतना लोगों को करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट मैंने बोलूंगा कि भाई ऐसे आराम आराम से कर दिया, मस्ती करते करते में हो गया। बट अभी जो मुकाम हासिल मैं करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी सीरियस तरीके से, डिसिप्लिन वे में, हर एक आस्पेक्ट को मुझे अभी सही करना है। जो भी मेरे लाइफ में चीज़ें गड़बड़ है, जो भी कमियां हैं, कमियों पे काम करना है, एकदम बैठ कर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ MSK में लिखी हुई बातों को एकदम सही तरीके से करने का ऐसा सोचा है मैंने। एंड अब मज़ा आ रहा है। मतलब पहले ऐसा था कि काम में उतना यू नो मज़ा नहीं आता था, वो मज़ा बहुत कम समय के लिए होता था, बट अभी ऐसा है कि मज़ा आ रहा है। पहुँच गए घर पर खाना खाने के लिए। क्या कर रहे हैं? अच्छी, जैसे कि मैंने आपको कहा आज अंबेडकर जयंती है, जिस वजह से बाहर फंक्शन चल रहा है। गाड़ी हटाओ, बोल रहे रैली। मेरी गाड़ी का बोल रहे हैं, सारी गाड़ी रोड पे नहीं चाहिए, फुटपाथ पे लगा दो, रैली जाएगी। ये ड्यूक गाड़ी किसका है वो लेके जाओ, वो ड्यूक उठा ले। ड्यूक गाड़ी किसका है? सारी गाड़ियाँ उठा रहे लाइन से, सब गाड़ियाँ उठा रहे। आपको मैंने कहा था कि अप्रैल मंथ से हम घर ढूंढना चालू कर देंगे, तो आज हमारा 12 बजे एक ओनर के साथ मीटिंग था और वो मीटिंग हो नहीं पाया। वो मीटिंग एक हफ्ता पहले ही सेट करके रखा था कि रमजान खत्म होगा, हम मीटिंग करेंगे। 750 square feet का घर था, माइन में ही है, तो हमने उसके लिए 2,70,00,000 बोला था, बट अभी वो कितना बोल रहे हैं? 3 crore. 3,10,00,000. 3,10,00,000 में अभी नया बिल्डिंग में फ्लैट मिल जाए, मतलब इतना ज्यादा महंगा कर दिया, और वो बिल्डिंग भी काफी जूनी है, ऊपर से लिफ्ट भी नहीं है और सेकंड फ्लोर पे। हाँ, फिर भी घर सबको पसंद आया था और हमको लगा था कि हम इसी घर को फाइनल करेंगे और प्राइस कम हो भी जाएगा। इसके लिए हमने काफी लोगों से बात किया था, रेट निकाला था, तो रेट जो अभी निकल के आ रहा है कि मतलब 2.5 crore सबसे
ओल्ड बिल्डिंग के हिसाब से 2.5 करोड़ सही है, बट लोग मान ही नहीं रहे, लोगों को लगता है कि बहुत महंगे महंगे में घर बिकेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है भाई। हम लोगों ने इतना घर देखा है ना, वो एक घर एक साल तक वैसे ही पड़ा रहेगा, एक दो साल तक वैसे ही रहेगा, क्योंकि उतने रेट में कोई नहीं लेगा। बट एनीवे हम तलाश चालू रखते हैं। हेलो, हाँ मैडम बोलिए। मैं संभाल लेता हूँ इसको। कहाँ पर? हाँ हाँ, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है ना, नेक्स्ट ईयर। चलो देखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ मैम आपको। घर की बात कर रहे थे और घर एजेंट लोग का ही फोन आया। अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, बोलते हैं नेक्स्ट ईयर तक पोजीशन मिल जाएगा। और अंडर कंस्ट्रक्शन वालों से ना मेरे को उनकी एक भी बात का ना जरा भी विश्वास नहीं है। वो बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर तक मिल जाएगा, लेकिन अभी तेरे को क्या बोला था, नेक्स्ट ईयर तक मिलेगा? अभी एक बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर तक मिली तेरे को? नेक्स्ट ईयर बोले तो मार्च का पोजीशन था, और मार्च को अभी तक उसका एक ही लिफ्ट लगा हुआ है। जो बोलते हैं वो होता नहीं। हां, इनकी बातों पे यकीन नहीं करने का। सूफी क्या क्या किए बताओ, तुमको जो ईदी मिली थी? पिगी बैग में डाल दिया। पिगी बैंक कब तोड़ोगे? पूरा भर जाएगा उसके बाद। ओके, हम भी बचपन में एक पिगी बैंक रखा करते थे, प्लास्टिक का होता था, मिट्टी का होता था। हम लोग सोचे थे कि वो भरेगा तो उसको फोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा ही भरता था हम उसको फोड़ देते थे कि सबर नहीं होता है, उसमें से निकालो पैसे चाहिए अपने को। फोड़ते कहाँ थे, ऐसा अंदर ऐसा चाकू डालते थे, टेढ़ा करते थे, उसमें से एक दो का डॉलर ऐसे निकाल लेते थे। डॉलर नहीं, पैसे तो डॉलर की बात कर रहे हैं। वो वाला डॉलर नहीं, मतलब हम लोग जो पहले बोलते थे ना कॉइन, कॉइन को डॉलर बोलते थे हम लोग। फूक मार के उसको फिर सीधा कर देते थे। प्लास्टिक का डब्बा होता था, बहुत क्रेजी था। दो दिन हमने ब्रेक लिया, मम्मी को अंदाजा, मम्मी अंदाजा भूल गए, मम्मी ज्यादा दे दिया आपने। अभी भी उतना ही खा रहे मम्मी, ज्यादा नहीं? नहीं मम्मी उतना ही, समझने में थोड़ा वो हो जाते हैं, कंपेशन हो जाते हैं। समझ में नहीं, माँ चाहती है बेटा ज्यादा खाए। बेटा समझा रहा है, नहीं इस बार नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की फुल तैयारी है हमारी गली में। अलग अलग मंडप बनाए हैं, काफी बेहतरीन सुंदर। हमारे कुछ जानने पहचाने वाले लोग थे, उन्होंने हमें ये शॉल दिया। ये देख बाबा, ये अपने को देके जाता चीरा भाई। हेलमेट भी नहीं पहना है बंदे ने। सही है भाई, जब एक बार गिरेगा तो समझ में आएगा उसको, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम करेगा तो उसको याद आएगा कि हाँ गिरा था मैं। ये जितने भी लोग ऐसे चलाते हैं ना, वो ऐसा होता है कि एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है, उसके बाद सब चीज़ भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जैसे, जो लोगों का देख के समझ जाते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है तो आराम से चलाओ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार गिरे या 100 बार गिरे, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, स्टील बॉडी। फिर तो जब जान निकल जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए, फिर उसके बाद में ही उनको समझ में आता है, तब तक लेट हो चुका होता है। एनीवे, तो घर की तलाश तो हमने शुरू कर दी। वैसे मतलब एकदम फुल फ्लेज होके मैं नहीं देख रहा था, बिकॉज दो दिन मैंने आराम के लिए रखा था, सोने के लिए रखा था, बहुत सोया हूँ, तो हो गया अभी सब कुछ। शुक्रिया भाई लोग ये तोहफा हमें देने के लिए, एंड सभी को हैप्पी अंबेडकर जयंती। ये जो नया खिलौना हमने लाया है, इसके साथ खेलेंगे। ये बॉय लवली। क्या बोल देगा उसको, 12 बजे अंदर कमरे के अंदर लेके आ रहे थे, उसको पता ही चल गया होगा ना। जो तूने बोला मैं अपन 12 बजे जाएंगे वॉकिंग के लिए। हाँ, हैप्पी बर्थडे शफीक को। थैंक यू। अरे देखो थोड़ा सा दे। थैंक यू भाई। तुम लोग के लिए गिफ्ट है मेरे पास, अभी नहीं है बट एक दो दिन में दे दूंगा। तुम लोग के लिए होता, इसके लिए मेरे लिए। क्या बोल रहे शफीक, अभी फिटनेस का कोई नया चैलेंज लेते क्या? लेते ना, अपने लिए लेते, ऑडियंस के लिए नहीं लेते। प्लान बन चुका है, बट वो है कि आपको बताने के लिए थोड़ा हिचकिचाना पड़ रहा, क्योंकि अगर आपको बता दिया फिर तो करना ही होगा। काफी मुश्किल चैलेंज है ना। हाँ, एक बार और फिर सोच लेते हैं। फिर आपको बताते हैं। वो तुम लोग बता देगा तो चैलेंज को चैलेंजिंग हो जाएगा फिर। क्या बोला तूने? चैलेंजिंग हो जाएगा। तू समझा? मैं समझा। ठीक है, तो अभी इतना बर्थडे सरप्राइज देने की कोशिश की है, फुल प्लान किए हुआ नहीं। अब मुझे लग रहा है कि ना बर्थडे सरप्राइज इनके लिए ऐसा प्लान करना पड़ेगा जब बर्थडे होना कुछ नहीं करने का। मैं तुम लोगों को ये मालूम नहीं करने देना चाहता कि मैं मालूम नहीं करके, इसलिए मैं लेट आ रहा हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम से पता है सरप्राइज क्या होगा, कि कुछ भी नहीं लाएंगे। अरे आया नहीं कुछ भी बेटी, यही तो सरप्राइज है कि कुछ नहीं आया। क्योंकि अभी इसको भी पता है, इसको भी पता है,
जब सब कुछ हो जाएगा ना शाम के वक्त केक काटेंगे, तब इनको पता चलेगा। सरप्राइज रखने ही नहीं देते कोई। सरप्राइज वो घर पे नहीं हो सकता, कहीं बाहर हो सकता है। पता है कि बर्थडे है तो केक आएगा, पता है ना। अब पता है कि बर्थडे है केक आएगा और सोच कि केक नहीं आया तो ये सरप्राइज हुआ। ये फिर वो चिढ़ गए। बाकी ठीक है, बढ़िया है। थोड़ा सा शॉर्ट व्लॉग है, व्लॉग भले ही शॉर्ट है बट व्लॉग रुका नहीं, इस बात का मुझे खुशी है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम आराम करने निकलते हैं तो आराम आराम ही हो जाता है, तो इस बार आराम करते करते भी जो भी बन पड़ा बना दिए। उम्मीद ज्यादा नहीं है इन व्लॉग से बट फिर भी बना दिए। बाकी सब एकदम बढ़िया है। मिलेंगे कल से, हम वापस शुरू कर रहे हैं सारी चीजें नए रूटीन पे। हाँ नए रूटीन पे। अभी तो दो तीन दिन ऐसे हो गए कि हम लेट ही उठ रहे हैं, तो कल सुबह जल्दी उठेंगे। फिर अभी तक हम जश्न मना रहे हैं, अभी बाहर निकलना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज्यादा ही जश्न मनाते रहेंगे। अब ठीक है, खुदाफिस, लिव अ लाइफ ड्रीम। बूम, थैंक यू शफी को सब विश कर देना। थैंक यू। कैमरा चालू है, उठा कैमरा। हाथ गीला है तो छोड़ दे, हाथ गीला है तो पहले साफ कर ले हाथ।